हे गाइस, वेलकम टू वॉच बिफोर यू बाय। आज का जो प्रोडक्ट रिव्यू है वो है एक लिप बाम का, जो कि है मेबेलिन ब्रांड की तरफ से बेबी लिप्स कलर ब्राइट आउट लाउड। इस लिप बाम में हमें SPF 13 की प्रोटेक्शन भी मिलती है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लिप्स की स्किन बहुत ही डेलिकेट होती है और जो सन की हार्मफुल रेज की वजह से काली पड़ जाती है, तो ये प्रोटेक्शन लिप्स को सेफ रखेगा एक लिमिट तक। इसमें इन्होंने लिखा है कि इस लिप बाम में 3 गुना ज़्यादा जुजोबा ऑयल, विटामिन ई और शिया बटर हैं। यहाँ पर मेंशन किया है कलर जो कि है बीमिंग वॉयलेट। ये लिप कलर ब्राइट है और साथ ही साथ कंटिन्यूस मॉइस्चराइज़र भी मिलता है इस लिप बाम के यूज़ से। प्राइस की बात करूँ तो इसकी प्राइस है 190 इंडियन रुपीज़ और क्वांटिटी हमें मिलती है 1.9 ग्राम की। हमेशा की तरह लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसकी करंट प्राइस ऑनलाइन चेक कर सकते हो। पीछे की तरफ लिखा है इस लिप बाम में विटामिन ई, जोजोबा ऑयल और शिया बटर हैं, जो लिप्स को ड्राइनेस और रफनेस से बचाते हैं और स्मूथ बनाए रखते हैं और साथ ही साथ प्रोटेक्ट भी करते हैं। इंग्रेडिएंट्स की बात करूं तो इसके इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट बहुत ही लंबी है और फुल ऑफ केमिकल्स भी है। मैंने आज तक जितने भी प्रोडक्ट्स रिव्यू किए हैं उनमें से सबसे ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स मुझे इस छोटे से लिप बाम के ही लगे हैं। इस लिप बाम का लाइफ स्पैन है 3 ईयर्स का। मेबेलिन एक USA बेस्ड ब्रांड है, लेकिन प्रोडक्ट ये बना है चाइना में। पता नहीं सारे प्रोडक्ट्स मेड इन चाइना ही क्यों होते हैं। लेट्स ओपन अप द बॉक्स। लिप बाम हमें ब्राइट वॉयलेट कलर में मिलती है। इसका साइज़ बहुत ही छोटू सा है और स्लिम है, नॉर्मल लिपस्टिक से भी पतला है। ये बहुत ही कॉम्पैक्ट है, आप इसे अपने हैंड वॉलेट में भी इजीली कैरी कर सकते हो। इसका आउटर शेल हार्ड और स्टडी है। अब बात करते हैं इसके टेक्सचर की, तो इसका इंटरनल कलर भी वॉयलेट ही है। अगर मैं बेबी लिप्स कलर को कंपेयर करूँ अपने बेबी लिप्स ब्लूम से, तो ब्लूम का जो कलर है वो वाइट है। इन दोनों ही लिप बाम को जब हम लिप्स पर अप्लाई करते हैं तो दोनों ही हमें डिफरेंट शेड्स देते हैं। कलर बाम का जो शेड है वो हॉट पिंक है, जो हमें लगाते ही दिख जाता है, जबकि ब्लूम का कलर नेचुरल पिंक है और स्लोली स्लोली लिप्स को कलर देता है। दोनों ही शेड्स बहुत ही अच्छे हैं, आप दोनों ही शेड्स को अपने हिसाब से लाइट और डार्क कर सकते हो। कलर बाम को अप्लाई करके लिप्स में हल्का सा ठंडापन फील होता है, मेंथॉल के जैसा। अगर आपने कभी सेंटर फ्रेश च्युइंगम खाई है तो वैसी वाली फीलिंग आती है आपको। अगर आपका लिप बाम रिमूव भी हो जाता है तो भी आपके लिप्स पर थोड़ी देर के लिए एक नेचुरल पिंक शेड छोड़ता है, जो कि लिप्स पर अच्छा लगता है। अगर मैं लिप कलर की बात करूं तो ये काफ़ी कुछ मिलता जुलता है लिप ब्लूम के साथ, लेकिन इसे लगाने के थोड़ी देर के बाद ही आपके होंठ ड्राई फील करते हैं, जबकि ब्लूम के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आपके लिप्स को अच्छे से मॉइस्चराइज रखता है और ड्राइनेस की कोई भी प्रॉब्लम फील नहीं होने देता है। इसलिए मुझे ये लिप कलर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और मेरी तरफ से इसके लिए ना है। अब बात करते हैं बेबी लिप्स ब्लूम की। ये उन सभी फीमेल्स के लिए मस्ट है प्रोडक्ट है जो भी लिपस्टिक लगाना पसंद नहीं करती हैं, या ऐसी फीमेल्स जिनके पास टाइम की कमी रहती है, या फिर ऐसी फीमेल्स जिनको लिप्स का नेचुरल कलर ज़्यादा अच्छा लगता है, या फिर ऐसी फीमेल्स जिनका घर से निकलना कम हो पाता है। ये बहुत ही हैंडी है और आप इसे कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो, मींस आपको मिरर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसे यूज़ करने के लिए, जबकि लिपस्टिक के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसका कलर बहुत ही अच्छा है और काफ़ी लंबे टाइम तक भी चलता है। ये लिप बाम आपके लिप्स को कलर देने के साथ साथ उन्हें अच्छे से मॉइस्चराइज्ड भी रखता है और लिप्स बिल्कुल भी फटते नहीं हैं इसके यूज़ से। सर्दियों के लिए हमें वैसे भी लिप बाम चाहिए होता है, तो आप इस 2-in-1 लिप बाम को नॉर्मल लिप बाम की जगह यूज़ कर सकते हो। ये लिप बाम लिप्स को अच्छे से हाइड्रेट करता है। इस लिप बाम का कलर लिप टू लिप डिपेंड करता है, मींस आपके लिप्स कितने लाइट हैं और कितने पिगमेंटेड हैं ये उस चीज़ पर भी डिपेंड करता है। अब बात करते हैं प्रोस एंड कॉन्स की। प्रोस तो मैंने बहुत सारे बताए हैं, जैसे कि ईजी टू अप्लाई है, नेचुरल लिप्स लगते हैं इसके यूज़ से। नंबर 3, लिप्स को अच्छे से मॉइस्चराइज्ड भी रखता है। अब बात कॉन्स की, तो इसका सबसे बड़ा कॉन मुझे यही लगा कि इसके इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी है और नॉन हर्बल हैं वो सारे के सारे। सो गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर कोई क्वेरी हो इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। आई विल ट्राई टू आंसर योर ऑल क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।